हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पूनम ने क्या देखा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का विषय पर्यावरण है। बच्चों, पूनम ने अपने आसपास बहुत सारे जानवरों को देखा था। बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं और कुछ थल में रहते हैं और कुछ नभ में रहते हैं। जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें जलचर प्राणी कहते हैं और जो जानवर नभ में रहते हैं उन्हें नभचर प्राणी कहते हैं। और जो प्राणी यानी जानवर थल में रहते हैं उन्हें थलचर प्राणी कहते हैं। जो अलग अलग जगहों में रहते हैं, पूनम ने ऐसे ही बहुत सारे जानवरों को देखा। तो आइए हम इस पाठ में देखते हैं। आज पूनम ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मुझे स्कूल यानी पाठशाला में जाने दो। मैं पिछले 2 दिनों से घर में रहकर ऊब गई हूँ। माँ ने कहा, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर आराम करो। पूनम बाहर गई और चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी यानी वह डर कर उठ गई। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हो कई सारे प्राणी दिख रहे हैं। आगे हम देखेंगे। पूनम ने ऊपर देखा, उसने पेड़ पर कई सारे जानवर देखे। उसके नाम यहाँ पर खाने में लिखने हैं। तो सोचिए और लिखिए, आपने जिन पक्षियों को देखा हो उसके नाम लिखिए। पहले खाने में आएगा तितली। दूसरे में हम लिखेंगे चींटी। और तीसरे में लिखेंगे कौवा। फिर आएगा कबूतर, गिलहरी। फिर हम लिखेंगे बंदर, चिड़िया। लास्ट वाले खाने में आएगा तोता। पूनम ने एक पत्ता उठाया और वीट को पोछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। पूनम तालाब में, यहाँ पर आप चित्र देखिए कि पूनम तालाब में अपना चेहरा धो रही है। और वहाँ उस तालाब में कौन कौन से जानवर देखे हैं उसने, तो आगे हम जानेंगे। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उसके नाम लिखिए और सोचिए और लिखिए। तो आइए हम इस खाने में लिखते हैं बगुला, भैंस, कछुआ, मेंढक, बकरी, मछली और बत्तख। आगे हम देखेंगे। तालाब के पास देखे गए प्राणी के समान आप कार्य कर सकते हैं। कौन सा प्राणी कैसी आवाज निकालता है एवं कैसे हलन चलन करता है, यानी कौन सा प्राणी कैसी आवाज निकालता है एवं कैसे हलन चलन करता है, वह कैसे चलता और हिलता है और कौन कैसे आवाज निकालता है। विविध पशु पक्षियों को अलग अलग आवाजें भी निकालिए। अब आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे भैंस, बकरी और बगुला, कौवा कैसे आवाज निकालता है, यह आप आवाज निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणियों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ पेट के बल सरकते हैं यानी रेंगते हैं, तो कुछ जानवर
फुदकते हैं, यानी जैसे मेढक फुदकता है। तो आइए यहाँ पर हम देखें और लिखेंगे, सोचिए और लिखिए जानवरों के आवास। कुछ बिल में रहते हैं और कुछ घोंसले में रहते हैं, कुछ घर में रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। तो पहले खाने में हम लिखेंगे, चूहा बिल में रहता है, फिर सांप है ये भी बिल में रहता है, और खरगोश, खरगोश भी बिल में रहता है, और है नेवला, नेवला भी बिल में रहता है। अभी हम देखेंगे घोंसले में रहने वाले चिड़िया, कोयल, दर्जिन चिड़िया और कबूतर। घर में रहने वाले मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और छिपकली। पानी में रहने वाले भी हम देखेंगे, मगर, सांप, केकड़ा और मछली। याद कीजिए और लिखिए। आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से वे जानवर कौन कौन से हैं यह आपको लिखना है। जैसे जो उड़ सकते हैं, उड़ने वाले हैं कौवा, कबूतर, चमगादड़। जो पैरों से चलते हैं, गाय, भैंस और बकरी। जो पेट के बल सरकते हैं, उनके नाम हैं सांप, अजगर, केचुआ। और जो फुदक फुदक कर चलते हैं, उनके नाम हैं तिलचट्टा, खरगोश और मेढक। जो पूंछ वाले हैं, उनके नाम है गाय, घोड़ा, हाथी। और जो सींग वाले प्राणी हैं, उनके नाम है गाय, भैंस, बकरी। जो दीवार पर चलते हैं, छिपकली, मछली, मच्छर और मक्खी। तो बच्चों, जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उनके उसके बिल में रहते हैं, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो आइए हम होंठ से पानी पीने वाले जानवरों के सामने हरा रंग और जीभ से पानी पीने वाले जानवरों के सामने लाल रंग भरेंगे। यहाँ पे है गाय। गाय जीभ से पानी पीती है, ओट से पानी पीती है। तो यहाँ पर हरा कलर दिया गया है। और बंदर किससे पानी पीता है? होंठ से। तो यहाँ पे हम होंठ लिखेंगे। और आगे कुत्ता, तो ये जीभ से पानी पीता है। कुत्ता जीभ से पानी पीता है, यहाँ पर सिर्फ, हाँ, तो यहाँ पर लाल आ जाएगा, ये आपको जान लेना है। आगे हम देखेंगे, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, आपके घर में ना रहने वाले जानवरों के चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं आपको, वहाँ उनके उन चित्रों को बनाना है जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आपके घर में जो नहीं रहते हैं उनके चित्र बनाने हैं। आगे हम बढ़ेंगे, चित्र बनाइए। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, उन्हें पूरा कीजिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पे है कुत्ता,
यह चित्र आपको पूरा करना है। मछली और मक्खी, तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।